नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप देख रहे हैं ई विद्या चैनल चैनल नंबर पांच और एनसीआर का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत करती हूं, मैं रेणु भट्ट अपने इस लाइव इंटरैक्टिव फोन इन सेशन में जिसमें हम बात करने वाले हैं हिंदी की पांचवी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए और हिंदी के इस कक्षा में हम आज जानकारी लेंगे हिंदी व्याकरण की जिसमें हम जानकारी लेंगे विशेषणों के बारे में विशेषण और उनके भेद के बारे में और हम सभी को पता है कि किसी भी भाषा की जब बात की जाती है तो व्याकरण बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है आपको विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारी विशेषज्ञ चलिए उनसे परिचय लेते हैं आप एम इस कविता बिष्ट आप हेड मिस्ट्रेस हैं के वी एन नई दिल्ली से मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है नमस्ते रेनू नमस्ते बच्चों और मैम आपको व्याकरण बताएंगे बच्चों लेकिन इसके साथ ही आपका एक भागीदारीता हमें चाहिए कि आप अपने सभी सवाल अपने प्रश्नों के साथ हमसे इस कार्यक्रम में जुड़ें क्योंकि हम ये सत्र आपके लिए ही लेकर आए हैं आप अपने सभी सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं फोन के माध्यम से आप हमें करेंगे कॉल हमारा टेलीफोन नंबर है डबल या फिर आप हमें ई भी भेज सकते हैं हमारा ईमेल एड्रेस है डी टी एच डॉट क्लास फिफ्थ एट द रेट सी आई टी डॉट एन आई सी डॉट आई एन अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे हैं यानी कि एन सी ई आर टी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे हैं तो लाइव चैट बॉक्स में जाके अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं ये सबसे तेज माध्यम है हमसे जुड़ने का और हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप हमसे जुड़े अपने सभी प्रश्नों के साथ और इससे पहले हम ये सत्र शुरू करें बहुत जरूरी सूचना हम आपके साथ साझा करना चाहेंगे रिगार्डिंग इंडिया जी ट्वेंटी प्रेजिडेंसी We are indeed very proud that India assumed G20 Presidency and will convene, G will convene the G20s Leaders Summit for the first time in the country in 2023. A nation that deeply committed towards democracy and multilateralism, India's G20 Presidency would be a watershed moment in her history as it seeks to play an important role by finding pragmatic global solutions for the well-being of all. And in doing so, manifest the true spirit of of Kutumbukam, or we can say the whole world is one family. उट वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन अब शुरू करते हैं हमारे आज का जिसमें हम बात करने वाले हैं विशेषणों के बारे में और कविता मैम हम आपके पास आएंगे और जो जानकारी हमने साझा करी अभी जी की इसमें खुद बहुत सारे विशेषण भी थे हाँ, ना? वो तो, तो, हमारे बच्चे कॉमेंट करके हमें जरूर बताएंगे फिर जी जरूर बताएंगे क्योंकि आपने कह दिया तो हमारे बच्चे जरूर कॉमेंट करेंगे हुँ. लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे मैम आपके पास ढेर सारी चीजें भी हमें नजर आ रही है हमारे बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करती है ये सब चीजें तो विशेषणों में आप क्या क्या कुछ हमारे बच्चों के लिए विशेष लेकर आई है ये बताइए बच्चों जैसे कि आपको रेनू ने बताया आपको कि आज हमारा जो है विशेषण के बारे में है तो आज रेनू हम विशेषण के भेद भी जानेंगे ओके okay. हाँ विशेषण के भेद जो होते हैं ताकि बच्चे अभी हमारे पांचवी कक्षा के हैं और जैसे आपने कहा था कि बच्चों को पर ये ज्ञान बहुत जरूरी है व्याकरण का hmm. तो भेद का भी होना ज्ञान है क्योंकि बच्चे विशेषण जानते हैं hmm. कि विशेषण क्या होता है पर उनमें भी विशेषण के भी कई भेद होते हैं तो उनकी भी हम जानकारी आज बच्चों को देंगे तो बे... और पता है रेनू हमारे साथ कौन आए कौन आए हैं ये है हमारे कौन है ये बच्चों आप देख सकते हो ये हमारा बुद्धिमान कछुआ हाँ बुद्धिमान कछुआ और इसका दोस्त तो सभी जानते हैं बच्चों कौन होगा जिसने इसके साथ दौड़ लगाई थी वो है हमारे फुर्तीले खरगोश, खरगोश। तो हमारे साथ आज बुद्धिमान खरगोश बुद्धिमान हमारा कछुआ और फुर्तीला खरगोश और इनके साथ साथ कौन है पता है कौन है माम एक प्यारी सी चिड़िया रानी कितनी सुंदर है रेनु देख रहे हो इसका आपको आप रंग देख रहे होंगे बच्चों बहुत ही सुंदर कलर है इस इसका रंग। चटक लाल चटक रंग। लाल और इसके पंख देखो आप, पीले कितना अच्छा लग रहा है और इनकी के साथ मुझे रास्ते में कौन मिल गया पता है कौन मिल गया माम हमारा हमारा साथीदार हेलो रेनू दी हेलो बच्चों और ये है हाँ, मुंह खोले मुझे दो पता मतलब केले मांग रहा था एक केला दे दिया पर okay. कहता है एक से पेट नहीं बनेगा मुझे सारे केले दे दो सारे केले सारे केले बच्चों सारे केले मांग रहा था हुँ. एक दिया मैंने देखो तो अभी भी मुंह खोले बैठा हुँ. दीदी मुझे ना केले खाना बहुत अच्छा लगता है और चंपू हम मैम से जरूर कहेंगे कि आपको सारे केले दे दें खा भी लिए मैंने एक और दे दिया था फिर दो वहां से ना इसने बैग से ले लिया मैं बोला दे दो दे दो जिद करने लगा जिद्दी भी है नटखट के साथ तो बच्चों यहाँ पे जब हम बात कर रहे थे हमारे खरगोश की हमारे कछुए की और हमारे चिंपू की तो यहाँ पे आपने सुना कि हमने बहुत सारे ऐसे शब्द लिए हैं जो इनकी विशेषता बताते हैं जैसे हमने बात की हमारे खरगोश की तो हमने बताया कि बहुत बुद्धिमान है हमने बात की हमारे खरगोश की तो हमने कहा ये बड़ा फुर्तीला है हमने बात की हमारी चिड़िया की तो हमने क्या कहा कि ये बहुत सुंदर है और जब हमारे चिंपू महाराज की बात आई तो हमने क्या कहा ये हमारे भैया बहुत ही नटखट है और कितने केले मांग रहे थे पूरे पूरे केले मांग रहे थे जबकि मैंने इन्हें एक पहले दिया और दूसरा बाद में दिया दो केले दिए पर ये चाहते हैं मुझे पूरा केला वो थैला था ना hmm. केले से भरा वो चाहते थे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ विशेषता बताई गई है तो बच्चों जहाँ पे संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे ही हम विशेषण कहते हैं तो चलो हम अभी अपने पीपीटी द्वारा इसे और आगे करते हैं और क्रम अनुसार इनसे ज्ञान लेते हैं इसका ठीक है रेनू जी मैम ठीक है बच्चों हम शुरुआत करते हैं आज का जो हमारा विषय है वो है विशेषण तो यहाँ पे आज बच्चों हम विशेषण की परिभाषा भेद और उदाहरण देखेंगे किसी भी व्यक्ति वस्तु को उसकी विशेष बात से दर्शाना या उसकी विशेषता बताना विशेषण कहलाता है हुँ. जैसे हाँ आपने देखा होगा हमने अपने खरगोश के बारे में अपने कछुए के बारे में हम अपने नटकट बंदर के बारे में प्यारी सुंदर सी चिड़िया के बारे में बताया तो सबकी कुछ ना कुछ विशेषता बताई hmm. तो यही सब हमारी विशेषण है और साथ ही साथ रेनू हमने ये भी कहा कि हमारा जो चिंपू है बच्चों केला खाना चाहता था और पहले मैंने इसे एक केला दिया hmm. दोबारा एक केला दिया यानी कि दो केले दिए पर वो कितने केले चाहता था सारे, सारे केले चाहता था तो यहाँ पे संख्या का भी बोध होता है hmm. तो संख्या का भी कुछ भेद हो रहा है hmm. उसमें भी कुछ विशेषता बताई गई है वो भी विशेषण ही कहलाता है तो हम आगे देखते हैं कि आगे क्या हमें विशेषण के बारे में पता चलता है जैसे काला घोड़ा हरा पैन ईमानदार आदमी दो लीटर दूध तो रेनू यहाँ पे काला हरा ईमानदार दो लीटर विशेषण है जो संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं है कि नहीं जैसे हमने इनकी बात की थी खरगोश के बारे में हमने के बारे में अपने चिड़िया के बारे में ये भी विशेषता बता रही थी अब रेनू जब मैं बात करती हूँ आपको अब आप सुबह उठ के बच्चों आप भी दूध पीते होंगे तो हमें जरूर कमेंट करके बताइए कि कितने गिलास आप दूध पीते हैं तो और दूध तो जरूरी है और मैं तो जानती हूँ कि किसी की मम्मी बिना दूध पिए तो स्कूल भी नहीं उन्हें भेजती होंगी और नहीं अभी तो छुट्टियां भी चल रही है परीक्षाएं हो है, तो भी दूध पिलाती होंगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितना दूध आप एक कप पीते हैं दो कप पीते हैं कितना पीते हैं और दूध हमारे लिए क्यों जरूरी है ये भी बता सकते हैं जैसे कि हमने यहाँ पे आपको बताया बच्चों कि यहाँ पे दो लीटर दूध का आया है तो आप सोच रहे होंगे ना इसमें रंग आ रहा है ना उसकी विशेषता कोचारी अब तो दो लीटर के बारे में कैसे हम बताएं कि ये विशेषण है तो चलो आगे हम और देखते हैं कैसे ये विशेषण में आता है अब हम विशेषण के भेद के बारे में बात करते हैं रेनो जैसे हुँ. कि हमने बताया कि आज हम विशेषण के साथ साथ इनके भेदों के बारे में जानकारी लेंगे तो हमारे विशेषण के पता है कितने भेद होते हैं हमारे विशेषण के चार प्रकार के होते हैं वो कौन कौन से हैं कुछ आपको पता है रेनो जी, एक जैसे मैंने गुण की बात की गुणवाचक दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक और चौथा सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण तो रेणु यहाँ पे हमारे चार भेद हैं विशेषण के कौन कौन से क्या आप बता सकते हो हमें जी मैम अगर हम दोबारा अपने प्रेजेंटेशन पे जाएं तो जैसे हमें दिख रहा है एक गुणवाचक विशेषण संख्यावाचक परिणामवाचक और सार्वनामिक और संकेतवाचक परिमाणवाचक हम्म ठीक है तो बच्चों अगर हम भेद की बात करते हैं तो अभी आप सोच रहे होंगे कि दो लीटर की बात की गई है और दो लीटर कैसे विशेषण आता है तो अभी आपको संख्यावाचक विशेषण संख्या नाम सुनते ही दो लीटर आ जाता है। तो यही हमारे जैसे एक... हमने देखा कि चार विशेषण हैं, चार तरह के तो क्या चारों विशेषणों पर हम आज बात करने वाले हैं नहीं आज रेनू जैसे हमारे पास सिर्फ आधा घंटे का टाइम है तो इस समय में हम सिर्फ दो भेदों के बारे में जानेंगे एक है गुणवाचक और बच्चों दूसरा है संख्यावाचक जी दो ही भेद के बारे में जानेंगे और यही दो भेद भी बच्चे मतलब उनके लिए बहुत सारे ना हम लेके आए हैं के मजेदार हैं और वो खुश होंगे कि जानेंगे और जरूर हमें कमेंट करके बताएंगे कि क्या उन्हें भी कहीं जैसे हम अभी यहाँ बैठे हैं हुँ. इसमें भी बैठने पर और जैसे जी ट्वेंटी की अनाउंसमेंट हुई थी उसमें भी बहुत सारे विशेषण थे तो हमने कहा कि आप कॉमेंट करके हमें बताइएगा तो अब आगे बढ़े जी मैम अब गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं अब बच्चे कहेंगे कि गुणवाचक विशेषण किससे कहते हैं तो बच्चों अभी जब हम बात करते हैं, हमने अपनी शुरुआत की थी तो हमने बताया था हमारा बुद्धिमान कछुआ हमने बोला था हमारा फुर्तीला खरगोश तो यहाँ पे अगर रेनु हम बात करते हैं ये है हमारा बुद्धिमान कछुआ तो कछुए की किस गुण के बारे में बताया गया यहाँ पे कि मैम वो बुद्धिमान है बुद्धिमान है तो बच्चों बुद्धिमान एक गुण बताया गया और जब हम खरगोश की बात करते हैं तो खरगोश के बारे में हम क्या बोल सकते हैं फुर्तीला फुर्तीला और देखो अगर हम इसके रंग की बात करें तो इसका रंग कौन सा है सफेद सफेद तो बच्चों सफेद भी एक गुण है उसके रंग के बारे में बता रहे हैं और साथ ही साथ ही बहुत फुर्तीला है आपने इसकी कहानी सुनी होगी हमारे कछुए की और हमारे खरगोश की तो आपको पता है कि कैसे दौड़ता है हमारा खरगोश और जब हम चिड़िया की बात करते हैं तो ये है हमारी सुंदर सी चिड़िया और इसके साथ साथ हम रंगों की भी बात करें तो कैसे होगा रंग लाल चटक लाल चटक लाल, लाल बच्चों जैसे रेनू ने हमें बताया चटक लाल है, ये भी इसका गुण दर्शाता है ये सुंदर है ये भी गुण दर्शाता है तो इसलिए इसे गुणवाचक विशेषण कहलाता मैम जैसे आपने ये बताया कि गुणवाचक जो किसी के गुणों को बताते हैं हमारे बच्चे अभी व्याकरण सीख रहे हैं तो क्या हमारे बच्चे एक ही वाक्य में एक से ज्यादा गुणवाचक विशेषण इस्तेमाल कर, हाँ, कर सकते हैं हाँ क्यों नहीं कर सकते जैसे अभी हम इसकी बात करें इस चिड़िया की ये है हमारी छोटी सी प्यारी और लाल चिड़िया हाँ तो लाल जिसका रंग लाल है तो एक वाक्य हो गया जिसमें लाल भी आया प्यारी भी आ गया और चिड़िया के बारे में हमने बता दिया हु, तो बच्चों ऐसे जैसे ने हमें बहुत अच्छा बताया आप भी हमें कमेंट करके बताइए एक वाक्य ऐसा बताइएगा जिसमें आप एक से ज्यादा विशेषण का उपयोग करते हैं ये भी बहुत अच्छा है बच्चे अपने जरा सोचेंगे क्योंकि और विशेषण गुणों के बारे में और आगे तो जब हम संख्या की तरफ जाते हैं रेणु तो बच्चे तो बहुत सीख जाते हैं तो आराम से वो कर सकते हैं अब जब हम इसकी बात करते हैं ये सबके चहेता है हमारे है ना मुंह खोले अभी भी देखो मुंह खोले हुए <laughs> तो ये ये जो हमारा है ना चिंपू बड़ा नटखट है और ये भी फुर्तीला है रेनो हाँ देखो ये भी बहुत फुर्तीला है और ये नटखट है तो बच्चों फुर्तीला और नटखट दो विशेष जी। जैसे आपने कहा एक से ज्यादा तो एक वाक्य बच्चों आपको मैंने ही बता दिया है और रेनु अगर हम आपसे बात करें तो मैं आपको अभी हमारी रुक्मिणी देवी से मिलाती हूँ रुक्मिणी देवी बच्चों आपको याद होगा सोमवार को आई थी हमारे स्टूडियो में और रुक्मिणी देवी भी बड़ी ही सुंदर हमारी है जिन्होंने हमें बोला था कि गांव की तरफ आइए जरूर हमने कविता की थी उसमें हेलो बच्चों मैं फिर से आ गई हूँ आपसे मिलने आप सब कैसे हो तो बच्चों ये है हमारी रुक्मिणी देवी तो रेनू अगर हम बोलते हैं कि आप इनकी विशेषता बताएं तो क्या रेनू तो हमें बताएगी बच्चों आप भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर हम इनकी तारीफ करनी चाहें तो कैसे करेंगे तो मैम हम ये कहेंगे कि रुक्मणी देवी बहुत सुंदर है जिनके अरे बाल भी बहुत सुंदर अरे लंबे, लंबे, लंबे काले, काले तो, ये आ गया आपका दो विशेषण एक और और बहुत ही सुंदर महिला है जिन्होंने एक बड़ी सी बिंदी लगाई है बिंदी और बिंदी कैसी है लाल लाल और आकार कैसा है इसका गोल तो बच्चों यही आकार भी आ गया गुण बताए कैसा है गोल तो ये गोल आकार की लाल बिंदी है तो जैसे हमारी रुक्मिणी देवी के बारे में रेणु ने बताया कि इनके लंबे लंबे काले बाल हैं हैं ये बहुत सुंदर इन्होंने गोल चटक लाल कलर की बिंदी पहनी है ना तो बच्चों इसमें कितने विशेषण आ गए और साथ ही साथ आप ये बोल सकते थे कि इनका परिधान कितना अच्छा सुंदर सा है लाल कलर का इन्होंने चुनरी पहनी है लाल कलर की ना बच्चों तो बहुत सारे विशेषण आप इसी में से चुन सकते हैं बोल सकते हैं किसी की अगर जब हम वर्णन करते हैं, जब वर्णन करते हैं ना तो बहुत सारे विशेषण की उपयोगिता हमें तब पता चलती है कि कहाँ उपयोग करें और कौन सा विशेषण कहाँ सटीक बैठता है जी धन्यवाद दी, आपने मेरी बहुत तारीफ की और बच्चों मुझे तो अच्छा लगता है अपनी तारीफ सुनना <laughs> धन्यवाद रुक्मणी कि आप स्टूडियो आए और हमें आपकी तारीफ करने का मौका मिला ओके okay, बच्चों बाय 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 अब तो मैं चली तो नहीं ना आपने यहाँ देखा अभी जैसे हमारी रुक्मणी देवी थी ये भी कितने अच्छे से मतलब वो भी खुश हो जाती है बच्चों से मिलकर और तारीफ सुन के तो यही तो है गुणवाचक जिसमें हर कोई चाहता है कि अपनी तारीफ कहीं कहीं अब आगे बढ़ते हैं असल में हमारे गुणवाचक में और कौन कौन से आते ठीक है जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण दोष रंग आकार अवस्था स्थिति स्वभाव दशा दिशा स्पर्श गंध स्वाद आदि का बोध कराए गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं तो अभी तो हम तारीफ की बात करते थे hmm. लेकिन दोष की भी बात करें hmm. तो भी वो कौन से आए गुणवाचक है hmm. रंग की बात करें तो गुणवाचक है आकार की बात करें जैसे गोलबिंदी अवस्था की बात करें वो भी है हमारा गुणवाचक स्थिति की बात करें जैसे वो बहुत ही गरीब है कैसे स्थिति है उसकी ना बीमार स्थिति बता रहा है स्वभाव जैसे हमने नटखट बताया हमने फुर्तीला बताया ये भी एक सम्मान बुद्धिमान बताया देखो रेणु दीदी को भी आपके याद हो गया तो बच्चों अगर आप देख रहे हैं तो आपको भी बहुत सारे विशेषण यहाँ पे गुणवाचक तो पता ही चल गए होंगे और आप जरूर इनमें भेद भी कर पाएंगे की आकार में आता है जैसे हमने गोल बिंदी की बात कही थी लाल रंग की बिंदी की बात कही थी तो ये आकार रंग दोष गुण सभी चीजें बताता है स्थिति की बात बताता है तो आगे हम देखते हैं दशा दिशा उत्तरी पूर्वी ये दिशाएं हैं जो वो भी गुणवाचक कौन सी दिशा में फिर स्पर्श गंध स्वाद अब जैसे अभी आम का सीजन आने वाला है मौसम तो आम खाना बच्चों आपको सभी को पसंद होगा और आम कैसा होता है मीठा और अभी जैसे छोटे छोटे आम आ रहे हैं जिसे कहते हैं कैरिया है, वो खट्टी होती है इसमें स्वाद का आ गया और हमारी मिर्ची कैसी होती है तीक, तीखी वो क्या आ गया वो भी स्वाद का आ गया तो ये भी गुण बता रहा है नहीं जी। और आइसक्रीम खाना किसे नहीं पसंद है मुझे लगता है सबको पसंद है और बच्चे अभी गर्मी जैसे जैसे बढ़ रही है सभी बच्चों की चहेती आइसक्रीम सभी खाना चाहते हैं हम भी खाना चाहते हैं तो आइसक्रीम भी ठंडी और चाय कैसे होती है बच्चों गरम तो ये भी हमारा विशेषण है जैसे मैंने कुछ विशेषण यहाँ पे आपको उदाहरण के तौर पर आप देख रहे होंगे लाल गीला चिकना गोल छोटा अच्छा मीठा मुलायम ऊपरी मीठा जैसे मुलायम तो जैसे हम इनके ना ये जो है हमारे खरगोश भैया ये इनका कैसा होता है ऊपर का परत कैसी होती है खुरदरी होती है बहुत सख्त होती है सख्त होती है और वो अपना सर उसमें छुपा देते हैं और हम कुछ भी करें वो निकालते नहीं जब उनको पता चलता है बच्चों कि उनके मतलब उन पर कुछ हमला होने वाला है ये डर जाते हैं तो वो अपना सर उसी में छुपा देते हैं अपने आप बचाव करते हैं और हमारी ये जो चिड़िया रहती है चिड़िया के पर बड़े सुंदर होते हैं लंबे होते हैं तो कहीं ना कहीं आकार दोष गुण सभी चीज़ें बताते हैं तो ये सब हमारे गुणवाचक में आते हैं रेनू तो बच्चों और भी आपको मैंने तो बहुत ही कम उदाहरण दिए हैं आपको भी इनमें कुछ उदाहरण लगते हैं कि आप दे सकते हैं तो कमेंट करके हमें बताइएगा ठीक है रेनू अब आगे बढ़े बिल्कुल मैम अब हमने कहा था कि दूसरा हमारा जो भेद है वो है संख्यावाचक विशेषण तो संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं जिन शब्दों द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता बताई जाए उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं hmm. जैसे हमने दो लीटर दूध की बात कही थी hmm. हमने दो केले की बात कही थी hmm. कुछ केलों की बात कही थी पूरे केले की बात कही थी ये सारे हमारे संख्यावाचक विशेषण में आते हैं बच्चों और आपको पता है रेनू इस संख्यावाचक विशेषण में भी दो भेद हैं अब okay. कौन कौन से बच्चों अगर आपको पता है तो आप कमेंट कीजिए hmm. या तो हम आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि कौन कौन से विशेषण हैं एक है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक संख्या वाचक संख्या विशेषण तो बच्चों हमने दूसरा भेद हम कर रहे हैं विशेषण का जो है संख्यावाचक उसमें भी निश्चित संख्यावाचक विशेषण है और अनिश्चित संख्या वाचक विशेषण है तो अब निश्चित की बात करें तो रेनू क्या आप उन्हें हमें कुछ उदाहरण दे सकते हो मैम निश्चित की अगर हम बात करें तो ऐसा हम विशेषण लेंगे जो कि निश्चित है यानी कि हमें पता है कि इतना ही है अगर हम केले की बात करें तो एक दर्जन केले में जैसे एक दर्जन केले में बारह केले आते हैं तो ये निश्चित है निश्चित है जैसे हमारे हमने कहा कि ये हमारे जो नटखट चिंपू महाराज है वो सारे केले खाना चाहते थे पूरे मैंने पूरे कहा अब पूरे खाना चाहता है उसने पहले एक खाया दो खाया मतलब तो निश्चित है अब जैसे अब मेरे पास बच्चों ये डिब्बा है आप देख रहे होंगे इस डिब्बे में अगर मैं यहाँ रखूँ आपको यहाँ दिखाई देगा बच्चों ये दिख रहा है आपको रेनू हम्म इसमें ढेर सारे हैं जी बहुत ढेर सारे बहुत काफी, हैं है। हम इसे गिर नहीं सकते मैंने बहुत सारे तो ये हम अनिश्चित है जी हाँ अगर इसमें से मैंने ये अभी कुछ रखे हैं यहाँ पर ये आप गिन सकते हो हुँ. कितने एक दो तीन चार और ये है पांच तो यहाँ पे ये पांच है ठीक है ये निश्चित है कि पांच है जबकि जब हम इसकी बात करते हैं यहाँ पे ढेरों है ठीक है हु. तो ये ढेरों हो गए तो ये जो है हमारे निश्चित है और ये डिब्बे में जो है हमारे बच्चों वहां निश्चित है क्योंकि ये बहुत ढेर हैं बहुत सारे हैं और अगर हम बात करें बच्चों जब मैंने यहाँ पे हम आए थे तो रेनू ने आपको बताया था कि आज हम विशेषण की बात करें तो मेहमान आए बहुत सारे लोग आए तो हमारे मेहमानों में कौन कौन आया था पहला आया था हमारे खरगोश महाराज पहला कछुआ फिर दूसरा खरगोश और तीसरे आए थे हमारे चिड़िया तो इसमें पहला दूसरा तीसरा ये भी निश्चित है कि पहले कौन आए थे हमारे कछुआ दूसरे आए थे हमारे खरगोश तीसरे आए थे हमारी चिड़िया और फिर आई थी हम फिर कौन आया था हमारा बच्चों आपके चहेते चिंपू महाराज यानी कि हमारे नटखट बंदर जी और फिर हमने रुक्मिणी देवी को भी ले आए थे तो यहाँ पे हमारे पांच मेहमान हमारे साथ आए थे जिसमें से पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा तो ये पांच जब हम बोलते हैं पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा ये भी निश्चित में ही आता है जी ठीक है बच्चों चलो और आगे बढ़ के हम पीपीटी द्वारा देखते हैं कि निश्चित और अनिश्चित में क्या फर्क है निश्चित संख्या वाचक विशेषण किसे कहते हैं जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध हो उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं जैसे कि अभी हमने बात किया एक दो तीन पहला दूसरा तीसरा दुगुना तिगुना चौगुना दोनों तीनों चारों इत्यादि अब जैसे हम बच्चों बात करते हैं इस बॉटल की इस बॉटल में पानी है ठीक है कैसा है पानी बच्चों कितना पानी है आधा यानी निश्चित है कि ये आधा पानी है ठीक है अगर हम टैंकी की बात करते किसी आपके घर में भी छत पर हो गए तो टैंक लगी होती है अभी किसी को पता नहीं कि उसमें क्या है तो बच्चे बोलते ढेरों पानी है मैम वहाँ पे बहुत सारा बहुत सारा मतलब पता नहीं है लेकिन बहुत है तो अनिश्चित बहुत यानी कि अनिश्चित में आ जाता है निश्चित नहीं बता हाँ अगर आपको पता है कि ये आधे लीटर की बॉटल है इसमें आधा लीटर पानी आता है मैंने आधा पी लिया तो आधा है निश्चित है तो समझ में आ गया अभी रेनू आपको बच्चों आशा करती हूँ आपको भी समझ में आ गया होगा कि निश्चित क्या होता है और जैसे हमने बताया कि हमारे जो भी यहाँ पे मेहमान आए या कोई भी कैरेक्टर है पहला दूसरा हम बोलते ना जब लगाते हैं दौड़ लगाते हैं या कुछ खेलते हैं मैं पहला आया मैं दूसरा आया मैं तीसरा आया ये भी निश्चित ही होते हैं और अगर हम बात करें जैसे हम दोनों इस स्टूडियो में कौन है बच्चों हम दोनों हैं एक तो रेनू है एक तो मैं हम दोनों ये भी निश्चित है ये yes. दोनों ही हैं hmm. बाहर कौन है हमें नहीं पता पर यहाँ पे निश्चित हम दोनों ही हैं hmm. ये भी बच्चों निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाता है hmm. आगे बढ़े अब अनिश्चित क्या है उसकी तो परिभाषा भी जान लेते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या है जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध ना हो उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं जैसे हम हम बात कर रहे थे बहुत hmm. कुछ अभी जैसे मैंने वो थोड़े hmm. लाखों सैकड़ों हजार दो हजार लगभग एक हजार hmm. इत्यादि जैसे हम कभी कभी कहते हैं ना मैं आम की बात कर रहे थे बच्चों तो हमने देखा कि आम के पेड़ में बहुत सारे आम लगे हुए हैं तो हम बोलते बहुत बहुत आम लगे हुए हम गिनते नहीं हम एक दो नहीं गिनते मतलब बहुत बोलते हैं वो अनिश्चित अनिश्चित आता है हम तारों की बात करते हैं आसमान में तारे गिनने वो सबसे ज्यादा अनिश्चित है सबसे हम अपने बालों की बात करते हैं लेकिन जब हम दांतों की बात करते हैं वो निश्चित आ जाता है।, है क्योंकि बच्चों आप अपने दांत गिन सकते हैं तो वो निश्चित आ गया लेकिन बालों की बात करते हैं वो क्या हो गया अनिश्चित हो गया तारों की बात करते हैं अनिश्चित हो गया ना बच्चों ऐसे बहुत सारी चीजें और कभी कभी क्या होता है कोई बोलते हैं ना हजार दो हजार लोग आए होंगे हम बोलते हैं ना अरे वहाँ पे तो बहुत सारे लोग हाँ हजार दो हजार मतलब ये निश्चित नहीं कि हजार आए थे या दो हजार आए थे या डेढ़ हजार आए थे पर बोलते हजार दो हजार यानी तो चत... इसका मतलब ये भी हम कह सकते हैं कि जहाँ बच्चे अः संख्या न प्राप्त कर पाए लेकिन अनुमान अनुमान लगा लगा, पा रहे हैं कि हाँ हजार से दो हजार लोग हो सकते हैं तो वो अनिश्चितकालीन संख्या हो गई विशेषण यही बात है और जैसे हमने अभी ये ये बॉक्स की बात कही थी बच्चों पे बहुत है ठीक है इनमें से मैंने दो निकाल दिए दो मेरे हाथों में तो दो निश्चित हैं और इनको रख दिया बहुत सारे समझ गए बच्चों ये है हमारा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण तो रेणु ये थे हमारे दो भेद जिसमें हमने आज पढ़ा है गुणवाचक और संख्या वाचक विशेषण के बारे में जी और मैम मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे बच्चों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं कितने भेद होते हैं और गुणवाचक और संख्यावाचक विशेषण में क्या भेद है और आप उसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं ये भी आपको बताया हमारी मैम ने हमारी विशेषज्ञ जो हमारे साथ रहीं और मैम अब उस समय इजाज़त नहीं दे रहा है कि हम इस सत्र को आगे बढ़ाएं लेकिन कविता मैम हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप स्टूडियो आए और आपने इतने अच्छे तरीके से रोचक तरीके से हमारे सभी बच्चों को जो विद्यार्थी रहे हमारे साथ उन्हें बताया विशेषणों के बारे में आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद रेणु धन्यवाद बच्चों और अपने माम के साथ हम जितने भी मेहमान मैम के साथ आए थे उनको भी धन्यवाद करते हुए इस कार्यक्रम को यहाँ पर समाप्त करना चाहेंगे लेकिन उससे पहले हम आपको आपके साथ साझा करना चाहेंगे एक बहुत जरूरी सूचना रिगार्डिंग इंडियाज जी ट्वेंटी प्रेजिडेंसी वी आर इंडीड वेरी प्राउड दैट इंडिया जूम जी ट्वेंटी प्रेजिडेंसी एंड विल कन्वीन द जी ट्वेंटी इज लीडर समिट फॉर द फर्स्ट टाइम इन कंट्री इन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री अनेशन कमिटेड टू डेमोक्रेसी एंड मल्टीलैटरलिज्म

पांचवी जमात के तलबा के लिए हम लेकर आएंगे उर्दू का सबक कहीं मत जाइए बने रहिए ई विद्या चैनल्स और एनसीआरटी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर नमस्कार